नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे द्विपक्षीय एकाधिकार, बाइलेटरल मोनोपोली। इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक क्रेताधिकार। एक क्रेताधिकार का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी वस्तु का एक खरीदार हो, उसके विषय में कल हम लोगों ने डिटेल में समझा। आज देखते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। द्विपक्षीय एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब ही है जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो, सिर्फ अकेला हो कोई। और जब दो, द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब दोनों पक्ष से एकाधिकार है, अर्थात बेचने वाला भी एक और खरीदने वाला भी एक। जब बेचने वाला और खरीदने वाला एक है, माफ कीजिएगा, जब एक बेचने वाला है और एक ही खरीदने वाला है, तो ऐसी स्थिति में कैसे चीज़ें काम करती हैं उसको आज हम समझेंगे। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, और मान्यताएं ये हैं। सबसे पहले हमें ये मानना पड़ता है कि एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, तभी तो ये चीज़ लागू होगी कि विक्रेता एकाधिकार है। जो बेचने वाला है वो सिर्फ एक ही है या उसी का एकाधिकार है, जिसके निकट स्थानापन नहीं है। दूसरा है एकाधिकारी, इसका अकेला उत्पादक या विक्रेता है। जो अभी बात हम लोगों ने समझी वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तीसरी मान्यता है एक क्रयाधिकारी, इसका अकेला खरीदार है। तभी तो इन दोनों, दो बिंदुओं को मिलाकर, कौन से बिंदु, एक क्रयाधिकारी है और अकेला उत्पादक या विक्रेता है, तब दोनों पक्ष से एकाधिकार बनेगा। तो इसी को कहते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। अब आप जानते हैं कि जब एकाधिकार होता है तो एकाधिकारी, चाहे वो खरीदने वाला हो और चाहे बेचने वाला, दोनों अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चौथी मान्यता हमें ये माननी पड़ती है कि एकाधिकारी और एक क्रयाधिकारी, अर्थात बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों को अपने अपने निजी लाभों को अधिकतम करने की स्वतंत्रता है, उन पर कोई भी बंधन नहीं है। ये मान्यताएं हमको माननी पड़ती हैं। अब इन मान्यताओं के माने जाने के बाद अब हम लोग एक चित्र देखते हैं, और चित्र से समझने का प्रयास करते हैं कि द्विपक्षीय एकाधिकार में कीमत निर्धारण कैसे होता है। दोस्तों, आप ये चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में समांतर अक्ष पर मात्रा को लिया गया है और अनुलंब अक्ष पर प्राइस को, कीमत को। अब इसमें देखिए कि ये जो आपको वक्र दिखाई दे रहा है MC अथवा S, तो ये जो वक्र है, ये वक्र एकाधिकारी का पूर्ति वक्र है। इसको हम एकाधिकारी का MC वक्र कहें, माने सीमांत लागत, या इसको हम पूर्ति वक्र कह सकते हैं, सप्लाई कर्व कह सकते हैं। ये जो वक्र है D अथवा MU, तो ये एकाधिकारी का मांग वक्र है। ये एकाधिकारी का मांग वक्र अथवा एक क्रयाधिकारी का सीमांत उपयोगिता वक्र, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है एक क्रयाधिकारी का, और D जो है ये है एकाधिकारी का मांग वक्र, माने सेम ही है। इसके बाद में ये जो आप वक्र देख रहे हैं ME, ये है मार्जिनल एक्सपेंडिचर वक्र, अर्थात
सीमांत व्यय वक्र, यह वक्र इसके अनुरूप है। इसके अनुरूप का मतलब यह है कि जब एक क्रयाधिकारी, जब एक क्रयाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है, वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है तो उसे ऊंची कीमत देनी पड़ती है, और जब उसे ऊंची कीमत देनी पड़ती है तो उसका सीमांत जो व्यय है वो बढ़ता है, सीमांत व्यय बढ़ता है। और ये जो एमई है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एमसी अथवा जो यस वक्र है वो इस तरीके का है, अर्थात ये ऊपर को है इसीलिए ये ऊपर को जा रहा है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एकाधिकारी की संतुलन स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले आप विचार करिए इस पर, ये है एमआर वक्र, ये है एमसी वक्र। संतुलन के लिए पहली शर्त क्या होती है, एमआर वक्र को एमसी वक्र नीचे से काटे, तो यहाँ पर काट रहा है, ई बिंदु पर एकाधिकारी संतुलन में है, जहाँ पर जो अभी बताया कि एमआर वक्र को उसका एमसी वक्र नीचे से काटता है। अब ये क्या करेगा, जो एकाधिकारी है इसका लाभ अधिकतम हो उसके लिए कीमत क्या है, ये कीमत है P1, अर्थात OP1 कीमत पर एकाधिकारी को अधिकतम लाभ तब होगा जब वह OP1 कीमत पर, अब आ जाइए इधर, OM मात्रा बेचता है। एकाधिकारी ई बिंदु पर संतुलन में है, ई बिंदु पर संतुलन में है और यहाँ पर संतुलन में रहने के लिए उसको OP1 कीमत पर OM मात्रा बेचनी पड़ेगी। दोस्तों इस चित्र में ये तो संतुलन बिंदु है एकाधिकारी का, अब हम देखते हैं एक क्रयाधिकारी का संतुलन बिंदु कौन है। एक क्रयाधिकारी का संतुलन बिंदु है B, यह बिंदु जहां पर MU वक्र को ME वक्र काटता है, MU वक्र अथवा जो D वक्र है इसको जहां पर ME वक्र काटता है इस जगह पर एक क्रेताधिकारी संतुलन में है, संतुलन में है। यहां पर कीमत क्या है, अब इसके सामने इधर आ जाइए, कीमत है P2, OP2 कीमत पर, OP2 कीमत पर A के सामने इधर आ जाओ, इतनी मात्रा खरीदने को तैयार है या खरीदना चाहता है। फिर से देखिएगा, बेचने वाला जो एक वस्तु का जो एक ही विक्रेता है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि ओ पी वन कीमत पर ओ एम मात्रा बेचें, लेकिन जो एक क्रयाधिकारी खरीदने वाला जो एक है वो चाहता है कि ओ पी टू कीमत पर ओ क्यू मात्रा खरीदें, इस कीमत पर यह मात्रा बेचना चाह रहा है, बेचने वाला, खरीदने वाला इस कीमत पर यह मात्रा खरीदना चाह रहा है। तो दोनों में मतभेद है, एक संतुलन में यहाँ है एक संतुलन में यहाँ है। तो होता क्या है, ऐसी स्थिति में कीमत कहाँ निर्धारित होगी, ऐसी स्थिति में कीमत वहीं पर निर्धारित होगी जिसकी बारगेनिंग शक्ति अधिक होगी। अगर एकाधिकारी की बारगेनिंग शक्ति अधिक है तो कीमत इधर कहीं होगी, अगर एक क्रेताधिकारी की बारगेनिंग शक्ति इधर अधिक है तो जो कीमत है इसके नज़दीक होगी, जिसकी बारगेनिंग शक्ति, सौदा करने की शक्ति अधिक, वो कीमत अपने पक्ष में रखेगा, ये चाहता है कम कीमत ये चाहता है अधिक कीमत, तो इसके पक्ष में अगर बात है तो अपनी तरफ खींचेगा कीमत को, खरीदने वाले की पक्ष में बात आ रही तो ये अपनी तरफ खींचेगा।
तो जो कीमत है वो P1 और P2 के बीच में कहीं होगी, P1 और P2 के बीच में कहीं होगी। तो उम्मीद है आपको द्विपक्षीय एकाधिकार में कीमत कैसे निर्धारित होती है ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।